ये देखिए एक्स, इन्होंने वीडियो बनाया जो अपने पाकिस्तानी मुलहिद है, पाकिस्तानी मुलहिद है, इन्होंने वीडियो बनाया। ये बोलना चाह रहे कि हज़रत मोहम्मद काले थे, प्रॉफिट मोहम्मद काले थे। जब पे उन पे ये आरोप लगा जाता कि वो गोरे थे और ये लगाने वाले अंग्रेज़ होते, और बोलते कि उनके पास काले गुलाम थे, और ये बोल रहे हैं कि वो काले थे। अब गोरा आदमी उनको गोरा इसलिए बोल रहा था कि उनको नीचे दिखा सकते। अब ये काला काला क्यों बोल रहा है, ये मुल्हिद भाई जो हमारे, इसलिए बोल रहा है ताकि उनको नीचा दिखा सकते। और मैं इसको डिबंक करूँगा, और इनको डिबंक करना इतना आसान है, एक गूगल सर्च में इनकी पूरी पोल खुल जाती है। रेफरेंस दिया मूसा अल यहूबी करके, और ये रेफरेंस है, रेडिट पेज खुले हुए, और कई मुसलमानों ने खुद इस पर जवाब दिया है। कोई ऐसी चीज़ नहीं बची जिसका जवाब मुसलमानों ने नहीं दिया है, और बहुत सारी चीज़ें बाकी है जिसकी जवाब मुसलमान दे सकते हैं। अब ये इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, इसलिए इन लोगों का जो मूवमेंट एक नंबर का फेलियर है। इनको देखने वाले सुनने वाले खुद नास्तिक होते हैं, और ज़्यादातर इस्लाम के मुसलमानों के ज़्यादातर मुसलमानों के मुखालफिन होते हैं, खिलाफ बोलने वाले, मुसलमानों को हानि पहुँचाने वाले लोग होते। तो पहले ये पेज खुला, मतलब खोल के पढ़ के सुनाऊंगा, इसमें इन्होंने जवाब दिया। हालांकि दूसरे वाला ज़्यादा सही जवाब होगा, दूसरा रेडिट पेज पे मैंने दूसरा खोल के सुनाया हूँ, सही बुखारी है। यहाँ पे इनको गोरा बताया गया है, और ये इसका इस्तेमाल करके ये बोलने की कोशिश करते हैं कि ये क्रिश्चियन लोग अटैक करते हैं बेसिकली, कि देखो तुम्हारे नबी तो गोरे थे, उनके तो पास काले गुलाम थे। खारी देखिए, सही बुखारी नंबर देख लीजिए, आई हर्ड अबी जुफिया सेइंग दैट आई सॉ द प्रॉफिट एंड अब अल हसन बिन अली रिजेंबल हिम। आई सेड टू अबू जुहैफा डिस्क्राइब हिम फॉर मी, ही सेड ही वॉज वाइट एंड बियर्ड वॉज ब्लैक एंड विथ सम वाइट हेयर, ही प्रोमिस टू गिव अस 30 यंग शी कैमन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अदर हदीस देखो, सही बुखारी, यू शुड लिसन टू एंड अबो योर रूलर इवन इफ ही वॉज इथियोपियन एंड ही वॉज अ स्लेव। इसकी बात करते हैं अहमद अबी सुलेमान की बात करते हैं, जिन्होंने बात बोली, जो एक कोट कर रहे हैं ये भी मिस कोट कर रहे हैं। दिस डिस्क्रिप्शन वर्स जो पैराग्राफ का इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी गलत पढ़ रहे थे। तो हाईलाइट देर डिसेप्शन फर्दर, वी कैन लुक एट द कोट दे यूज, जो कोट यूज़ करते हैं अहमद अबी सुलेमान का, सोनून का कंपेनियन सेड दैट हुएवर सेड द प्रॉफिट वॉज ब्लैक वॉज किल्ड। अब इसमें तो अगर ये पूरा पढ़ लेता तो इसमें तो ये उल्टा इसके खिलाफ यूज़ करते हैं, बताने के लिए कि प्रॉफिट मोहम्मद कालों से थोड़ी उनके वो थी। तो लेकिन ये भी पूरा स्टेटमेंट नहीं, अगर ये पूरा पढ़ता तो ये तो गलत आरोप लगा रहा है। एक ये जो कॉन्टेक्स्ट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो अंग्रेज़ लोग इस्तेमाल करते हैं, वो बताने के लिए गोरे थे और उनके पास काले गुलाम थे, ये बोल रहा है कि भाई ये दूसरा निकाल रहा है, जब भाधा ढूंढ के बताता हूँ। हाउएवर दे डू नॉट कोट अ पैराग्राफ इमीडिएटली बिलो विच फर्दर शोज दैट द इशू वॉज नॉट इसम बट इशू बींग स्टेटिंग फॉल्स विच कॉन्स्टिट्यूट डिनाइल। अबू उतमान अल हद्दाद सेट समथिंग सिमिलर एंड सेट दैट इफ समबडी समवन सेट दैट प्रॉफिट डाइड बिफोर हिज हेड बियर्ड बिगन टू ग्रो और दैट ही वॉज तहार्ट मोरक्को और नॉट तिहामा ही इज़ किल्ड बिकॉज ही कॉन्स्टिट्यूट डिनाइल। तो यहाँ तो बात कुछ और हो रही है, पूरी बात पता चलती है कि ये काले थे गोरे थे, ये ऐसे उसके तौर पे यूज़ हो रही है बात। कोई भी उनके बारे में गलत बात फैलाता है तो वो दिस कॉन्स्टिट्यूट डिनाइल, तो काले थे गोरे थे, दाढ़ी काली थी दाढ़ी सफ़ेद थी, इस तरह की बात नहीं बोल सकते। और ये ओपिनियन है, अबू अहमद बिन सुलेमान का ओपिनियन है। जो वाक्य है, जो शब्द है, ये अहमद बिन सुलेमान के है, ये प्रॉफिट के नहीं है ना किसी कंपेनियन के। वुड हैव रिकग्नाइज इंटेंट वॉज टू डिस्पैरेज द प्रॉफिट, अहमद बिन सुलेमान वुड हैव रिकग्नाइज द इंटेंट वॉज टू डिस्पैरेज द प्रॉफिट हिंस ही इज कॉलिंग फॉर डेथ ऑफ सच फोक। इट इज़ नॉट रेसिस द पार्ट ऑफ इट इज़ नॉट रेसिस ऑन द पार्ट ऑफ अहमद बिन सुलेमान एंड सर्टनली नॉट हैज़ नो बेयरिंग ऑन इस्लाम। सैडली द रेबल राउजर आर नॉट विलिंग टू स्क्रैच द सर्फेस और अटेम्प्ट टू बी इंटेलेक्चुअली एंड ऑनेस्ट, दे वर्क देयर एजेंडा मड स्लिंगिंग एट मुस्लिम एंड इस्लाम। तो ये अगर ये पूरे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, अगर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी पढ़ रहे तो थोड़ा ढंग से पढ़ो जो लिखा हुआ है। आई फील द अटेम्प्ट अगेंस्ट इस्लाम इज सिंपली अ डेवियस डिजाइन टू स्टेम द कन्वर्जन टू इस्लाम अंग द अदर ब्रदर सिस्टर इन अफ्रीकन कम्युनिटी। तो ये तो बोल रहे कि ये इनको कालों के खिलाफ बता के इस्लाम को गोरे लोग का मजहब बताने की कोशिश की जाती है, जबकि यहाँ पे तो
वो ने क्या बोला, अभी अलग ने भलतीज बात बोला, इसके दूसरे रेडिट पेज पे गया और इसके बारे में उन्होंने बहुत पेज बने हुए और इसको रिप्लाई देते हुए, तो वही अहमद बिन सुलेमान, अब ये कोई मुस्लिम भाई, काले मुस्लिम, अफ्रीकन मुसलमान ने पूछा देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें तो काले लोग के खिलाफ बातें लिखी गई है, और ये हारिस भाई क्या बोल रहे हैं, हारिस कुछ और बोल रहा है, तो ये ढंग से पढ़, अगर ये पढ़ लेते आरोप पढ़ लेते, अंग्रेज क्या लगा रहे हैं, इनको काला बताना है, काला गंदा, वो इस तरह की हरकत करेंगे तो इनको लगता है मुसलमान छोड़ देंगे अपना मज़हब, काला गंदा ये बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे बात पूरी गलत साबित हो जाती है कि ये काले थे। अब अल मूसा बिन यहूसी बिन ये वो पढ़ लो, तो एक आदमी जाते हुए देखता है इनके इनके पेट गोरा चमकता है, ठीक है। एक और एक बुखारी की हदीस है, नरेटेड अबू अब्दुल्ला बिन दिनार, माई फादर सेड आई हर्ड द इब्न उमर रिसाइटिंग द पोएटिक वर्सेस ऑफ अबू तालिब एंड अ वाइट पर्सन द प्रॉफिट, ही सेड द प्रॉफिट वॉज वाइट। अनदर अबू बुखारी, अबू तुफेल रिपोर्टेड एज ऑफ अल्लाहस मैसेंजर एंड देयर अमंग द पीपल ऑफ द अर्थ हु इज लिविंग द प्रेजेंट टाइम एंड सी द एक्सेप्ट मी एज सेड टू हिम हाउ डू यू फाइंड हिम, सेड ही हैड एलिगेंट वाइट कलर एंड ही वॉज एवरेज हाइट। सो इतनी सी इसमें तो गोरे बोला जा रहा है सही हदीस में, मैं ये पढ़ूंगा नहीं, आप पॉज करके देख लो, नंबर लिख लो, पढ़ लेना, ठीक है। क्योंकि यहाँ तो गोरे लिख, यहाँ तो लिखा है गोरे है, एक बात साबित होगी। और जो ये रेफरेंस यूज़ कर रहा है हारिस सुल्तान, इसका इस्तेमाल करके लोग बोलते कि ये गोरे थे और ये गोरों कालों के ख़िलाफ़ यूज़ कर, तो ये एक ही हदीस को ये दो अंग्रेज, दो मुखालफी इस्लाम के दो अलग अलग चीज़ निकाल रहे हैं। गोरे लोग बोलते हैं कि कालों के ख़िलाफ़ थे क्योंकि उनमें स्लेवरी का डॉगमा है, उनके देश में बर्डन है, और ये बोल रहे देखो यहाँ पे, यहाँ के गुलाम वंश के जो हमारे हरी सुल्तान है, बोल रहे नहीं ये खुद काले थे, तो तू आपसे तो काले होंगे नहीं, आप भी तो काले हैं। और अभी पता चल रहा है इनकी आर्कियोलॉजी से पता चलता है कि ये कहीं ये नॉर्दर्न अरेबिया में पैदा हुए थे, जो एवरेज इंडियन देसी लोगों से थोड़े ज़्यादा गोरे होते हैं, तो उनसे तो ज़्यादा गोरे होंगे भाई।